हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस पूरे जो अब आरसीसी का सीरीज़ लॉन्च किए हैं, इस पूरे आरसीसी के सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्टार्टिंग के चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक का जो आपका आरसीसी में सिलेबस आता है, जो पूरे इंडिया में कवर होता है। जैसे इसमें आपका स्लैब होता है, कॉलम होता है, बीम होता है, फाउंडेशन होता है, टी बीम्स होता है, एल बीम्स होता है, आपको ये सारे टॉपिक्स आईएएस कोड के जो क्लॉजेस होते हैं आईएएस 456 के, ये सारी चीज़ें कंबाइंड करके आपको एक टोटल आरसीसी का सिलेबस बनती है, जो हम आपको भी बता देंगे कि हम लोग किस किस सिलेबस को फॉलो करने वाले हैं। उसमें भी अगर आपको लगता है कि कोई एक दो पार्टिकुलर जो टॉपिक है वो छूट गया है अगर, तो आप उसका भी आप अपना नाम बता सकते हैं। आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये डिटेल्स आप शेयर कर देंगे, उसका भी लेक्चर आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। मतलब है कि ये डायनेमिक कोर्स है। डायनेमिक कोर्स का मतलब होता है कि हो सकता है कि कोई ध्यान से उतर जाए, तो कोई एक टॉपिक अगर छूट जाता है तो आप वो टॉपिक का नाम याद दिला देंगे, वो टॉपिक इस वाले पूरे जगह पर जहाँ पर भी एडजस्ट होता होगा उसको हम वहाँ पर उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप ये कोर्स ले रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आप कोर्स लेते हैं, चाहे आरसीसी हो चाहे हाईवे हो, तो उसका मतलब है कि आपको ये वाले सब्जेक्ट्स को अब दोबारा और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में अभी आप थर्ड सेम फोर्थ सेम सिक्स सेम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग अगर ये कोर्स ले रहे हैं तो आपको ये टोटल जो नोट्स रहेगा इसका, और प्लस जो ये टोटल लेक्चर आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्टिव डिटेल्ड लेक्चर रहेगा। इसमें हम आपको एक एक टॉपिक को पूरे डिटेल में समझाएंगे, उसमें जितने पॉइंट्स आ सकते हैं वो सारे पॉइंट्स समझाएंगे। अगर आप ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स को ये जो हम क्लास नोट यहाँ बनाने वाले हैं, प्लस साथ में जो आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको ये पूरा देखना है। इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, वो हम आपको यहाँ मार्क कर देते हैं इसमें। और जो आपको सब्जेक्टिव वाला जो डेरिवेशन है, जो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाला है और अभी फ़िलहाल उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स बहुत सारे एग्ज़ाम में सिलेबस में नहीं होते हैं, तो अगर आपको वो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है तो आप वो वाला लेक्चर छोड़ सकते हैं जिसमें वो वाला टॉपिक है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कि टोटल अगर हम लोग 30-40 आवर्स का अगर लेक्चर पूरा एक सब्जेक्ट का बना रहे हैं, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 25 लेक्चर्स ही सफिशियंट है, तो आप 25 लेक्चर्स ही सिर्फ देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। टोटल देख लेंगे तो ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा इस सब्जेक्ट का, क्योंकि मेरा सारा लेक्चर जो होगा वो पिछले वाले लेक्चर से कनेक्टेड रहता है। हम एक सीरीज़ में एक डिस्कशन करते हैं, जो कि एक घंटे में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा कि वो कहीं पे जाके ख़त्म हो जाए। तो हम जब एक स्टोरी क्रिएट करेंगे आरसीसी का, तो ये लगभग आप अगर किसी भी लेक्चर को आप बीच में मिस करते हैं, तो उससे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर हम आगे वाले लेक्चर में पीछे वाले लेक्चर का कोई रेफरेंस दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। तो नोट्स के हिसाब से आप देखिएगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको तो सारे चैप्टर का नोट्स अलग अलग होगा, लेकिन हम जो सीरीज़ में कनेक्शन बनाते हैं सारे आपको चैप्टर्स का, वो आपके लिए अगर आप समझना चाहते हैं सब्जेक्ट को, तो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और ये जो नोट्स हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें, ये आपका क्या होगा, शॉर्ट नोट्स होगा एक तरह से, क्योंकि हम आपको इसमें पूरा डिटेल्ड में आपको सारा थ्योरी जो होता है वो सारा डेफिनेशंस वो सारा इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, या फिर आपको जो आपके शॉर्ट जो है की पॉइंट्स होते हैं वो सारे की पॉइंट्स हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, फॉर्मूलाज इसमें मेंशन रहेगा। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल्ड में डेफिनेशन के साथ नोट्स चाहिए, तो वो नोट्स हम आपका प्रिपेयर कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट का। तो जैसे जैसे वो प्रिपेयर हो जाएगा, वैसे वैसे जो भी स्टूडेंट्स पेड कोर्स में लिए हुए हैं उनको ये चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आरसीसी में क्या पढ़ने वाले हैं, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, या फिर कई कॉलेजेस में डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है, हम इसका शॉर्ट में एक नाम बता दिया आरसीसी। इसमें आपको सारी ही चीजें जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें जो हम लोगों का सिलेबस होगा, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो हम लोग जनरली कंक्रीट टेक्नोलॉजीज़ में पढ़ के आते हैं, कंक्रीट के बारे में, या फिर आपका स्टील के बारे में, रेनफोर्समेंट के बारे में, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले यहाँ डिस्कस कर लेंगे। जिस मटेरियल से हम लोग बनाने वाले हैं अपने स्ट्रक्चर को, उस मटेरियल के बारे में जो भी उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा, या जो भी उसके प्रॉपर्टीज आएगी जो आपको याद रहना चाहिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, जो आप सोम में पढ़ते हुए आए हैं, वो सारी चीज़ों को कंबाइंड करके हम ये इंट्रोडक्शन में पहले आपको पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको आएगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड।
ये आपके डिज़ाइन के मेथड्स होते हैं। किसी एक स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे अगर अभी हम लोग LSM फॉलो कर रहे हैं रिसेंटली, पहले WSM फॉलो किया जाता था, ULM कभी फॉलो किया ही नहीं जाता था। तो ये सारे के बारे में आपको एक डिस्कशन बताएंगे कि ये तीनों चीज़ें आपको क्या है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड से, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड ही अभी रिसेंटली चल रहा है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिट स्टेट से ही क्वेश्चन आता है। यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड से ही आपको सारा डेरिवेशन और सारा न्यूमेरिकल रहता है। लेकिन जब आप SSC JEE मेंस की बात करेंगे तो SSC JEE मेंस में जो आपको न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको RCC से, एक LSM से आता है और कई बार एक WSM से आता है। तो इसके लिए हम लोग WSM को भी डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल इन द सेंस जितना आपको रिक्वायर्ड होगा वो WSM से उतना हम आपको टॉपिक समझा देंगे वो सारे टॉपिक्स, क्योंकि बाकी कुछ टॉपिक्स आउटडेटेड हैं। आउटडेटेड है मतलब कि अब उसकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, उससे अब कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो प्रीवियस 1994-1998 तक ही वो टॉपिक्स आते आते फिर उसके बाद ख़त्म हो गए। अब रिसेंटली जितना भी पढ़ाया जाता है वो सारा आपको LSM में पढ़ाया जाता है। तो हम लोग WSM के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे आज भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कॉलेज वालों स्टूडेंट्स को ये काम नहीं आएगा, लेकिन RRB SSC इन सारे स्टूडेंट्स को काम आएगा, और SSC के मेंस में तो ये पक्का काम आएगा। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन WSM से आपको 10 नंबर का, 12 नंबर का, 15 नंबर का आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसा और न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा कि आपका ये हाफ पेज में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसको पता नहीं रहता है स्टूडेंट्स को, इसलिए उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते और ईजी 10-15 मार्क्स आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग LSM मेथड से फिलहाल पहले आगे बढ़ेंगे, और LSM से हम एक एक करके आपको टॉपिक्स पे आते चले जाएंगे। टॉपिक्स पे आएंगे जैसे कि हम लोग सबसे पहले करेंगे बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जब बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बीम के अंदर आपको सब टॉपिक्स आ जाते हैं, सब टॉपिक्स जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम, बीम में अलग अलग आपके टाइप्स हो जाएंगे, एक होगा सिंगली रेनफोर्स्ड, एक हो जाएगा आपका डबली रेनफोर्स्ड, उसके बाद आपका एक आ जाएगा टी बीम, मतलब इसको फ्लेंज बीम कह देते हैं कि फ्लेंज्ड बीम आ जाएगा। फ्लेंज बीम का मतलब होता है टी बीम और एल बीम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक आ जाएगा स्लैब का, क्योंकि ये दोनों टॉपिक क्या होता है, मिलता जुलता रहता है, तो स्लैब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्लैब में भी आपका फिर से दो टॉपिक आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका वन वे स्लैब, दूसरा आ जाएगा आपका टू वे स्लैब। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज कर देते हैं, ये पैटर्न जो है इसमें बीम बताने से पहले हमको आपको कुछ टॉपिक्स और बताने होंगे, जैसे कि आपका आ जाएगा LSM मेथड की जब हम लोग बात करेंगे तो LSM मेथड में क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो LSM मेथड के अंदर में आपको आ जाएगा बेंडिंग, जो हम लोग सोम में पढ़ते हैं बेंडिंग, वो LSM में किस तरह से होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सर भी, बेंडिंग को ही फ्लेक्सर भी बोला जाता है। उसके बाद आएगा आपका शेयर, उसके बाद आएगा आपका टॉर्जन। ठीक है, ये तीन चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, बेंडिंग, शेयर और टॉर्जन, और चौथा आएगा आपका डेवलपमेंट लेंथ, या इसको बॉन्ड कह लीजिए कि बॉन्ड आपका चैप्टर आएगा, इस बॉन्ड के अंदर आपका डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगा, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये चार आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे जो लिमिट स्टेट मेथड से फॉलो किए जाएंगे। अब इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स ये बीम स्लैब सब में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका ई। खैर ये सीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका बीम आ जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो बीम से स्टार्ट करेंगे, सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, फ्लेंज बीम, फिर स्लैब पे आ जाएंगे तो वन वे स्लैब, टू वे स्लैब होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कॉम्प्रेशन मेंबर। तो कॉम्प्रेशन मेंबर में RCC में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, कॉलम्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्रेशन मेंबर कॉलम्स, जिसको हम लोग पिलर्स भी बोलते हैं जनरल टर्म में। इसके बाद आ जाएगा आपका फाउंडेशंस के बारे में,
फाउंडेशन में हम लोग फुटिंग डिज़ाइन करेंगे, और फुटिंग डिज़ाइन में भी हम लोग सिंग आइसोलेटेड फुटिंग्स ही करेंगे, क्योंकि आपको जो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का सिलेबस होता है उसमें आपको सिर्फ आइसोलेटेड फुटिंग्स, जो सिंगल फुटिंग्स होते हैं वो डिज़ाइन करवाए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में, या फिर आपके जो कॉलेज वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। कंबाइंड फुटिंग जैसे ही आप आ जाते हैं तो कंबाइंड फुटिंग में फिर आपके दूसरे कॉन्सेप्ट आने लग जाते हैं, वो आपको फिर एडवांस वाला पार्ट हो जाता है। बीटेक लेवल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं कवर की जाती हैं, तो हम लोग फाउंडेशंस कवर करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग के साथ, और रिमेनिंग जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे हम आपको इसमें बताएंगे। कंबाइंड फुटिंग का डिज़ाइन नहीं करके कंबाइंड फुटिंग के कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, राफ्ट के कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, वो सारा इसलिए हम उसको फाउंडेशन लिखे हैं, फुटिंग नहीं लिखे हैं। इसको अक्सर सिलेबस में फुटिंग्स लिखा जाता है, तो हम आपको फाउंडेशन डिस्कस किए, मतलब आपको टोटल फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एक एक करके सारा टॉपिक कि मेरा बीम हो जाएगा, स्लैब हो जाएगा, कॉलम्स हो जाएगा और फाउंडेशंस हो जाएगा। अब बिल्डिंग में आपके सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे फिर से WSM मेथड में। अब WSM मेथड में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे, सेम उसी तरह से जैसे आपका बेंडिंग हो रहा है, आपका शेयर हो रहा है, आपका टॉर्जन हो रहा है, तो WSM मेथड में भी ऐसे ही कुछ होगा, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका एनालिसिस करके उसका फॉर्मूला वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बनाने तक का क्वेश्चन आपका WSM से आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, प्री में भी कई बार आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको एक फॉर्मूला आपको याद रहना पड़ेगा, आपको कुछ वैल्यू पूछ लेगा कि ये वैल्यू कितना है, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप उससे तुरंत एक मिनी कैलकुलेशन करके आप वहाँ पे निकाल सकेंगे। तो बेसिक लेवल का आपको WSM से क्वेश्चन आएगा, बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद WSM डिस्कस कर लेने के बाद आपका RCC का जो वो होगा सिलेबस होगा, मेरे हिसाब से वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए जो आपको नहीं आता हो या आपके सिलेबस में हो और आपको हम उसमें कवर नहीं किए हों। फिर भी अगर आपके टॉपिक के अंदर में से भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है, जैसे हम लोग अभी आपको स्लैब डिज़ाइन किए, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, अगर आपको लगता है कि टू वे स्लैब में कुछ मिस हो गया है हमसे, तो आप वो बता सकते हैं वो चीज़ हम आपको, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ इतने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में कोई एक दो टॉपिक हो सकता है मिस हो गए हों, तो आप बता देंगे वो टॉपिक कौन सा है या ध्यान दिला देंगे, हम उसको रिकॉर्ड करके आपको एडजस्ट कर देंगे इस पूरे पैटर्न में, जहाँ पे भी एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये रहेगा हम लोगों का सिलेबस RCC में। अब इसी को हम जब पढ़ाएंगे तो हम आपको इसको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ कवर होता रहेगा और आपका सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स को भी टॉपिक्स क्लियर होता रहेगा, उनको भी वो कंटेंट मिलते जाएगा जिससे वो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसको बनाते चले जाएंगे। ओवरऑल आपका जो टारगेट होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, जब आप कोर्स लेते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से समझ जाना। अगर आप एक बार सब्जेक्ट को समझ गए हैं तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी नोट्स फॉलो कर लीजिए, आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि अगर आपके कॉलम्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगता है, क्या क्या पॉसिबल चीज़ें आपके कॉलम के साथ हो सकती है, एक बार आप इसको एक जनरल अपने मदर टंग लैंग्वेज में, जैसे हम लोगों का जनरल में मदर टंग हिंदी है, तो हम लोग हिंदी में एक बार जिन चीज़ों को ईजिली समझ जाते हैं, फिर बाद में कई स्टूडेंट का क्या होता है इंग्लिश वीक होता है, या बहुत सारे स्टूडेंट का कि आपको मदर टंग आपको हिंदी नहीं होगा, बंगाली होगा या फिर आपको गुजराती होगा, तो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे सारे हम लोग कंपोनेंट्स को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा कन्वे करने का जो लैंग्वेज होगा वो हम आपको हिंदी रखेंगे, क्योंकि वो ईजिली क्या होता है ना कि आपको समझ में आ जाता है, और एक बार वो चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो आप उसका जब इंग्लिश में डेफिनेशन देख लें या आप उसका डेरिवेशन देख लें या आप बुक्स फॉलो कर लें तो आपको वो पूरी तरह से समझ में आ जाता है। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए हम आपको ये पढ़ाने का फ्लो में कहीं पे भी हम आपको कंटिन्यूसली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, हम आपको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल टर्म्स में ही आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया मेरा सिलेबस वाला पार्ट। अब हम लोगों का सबसे पहला आता है जो आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन तक का पार्ट। एक घंटे का लेक्चर रखने की कोशिश होगी, सारे ही वीडियोज होंगे वो लमसम आपको एक घंटे के आगे पीछे के होंगे। अब उस एक घंटे में कोशिश करेंगे कि टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ा करके एक टॉपिक के हिसाब से हम लोग एक वीडियो रखें। अगर हम आपको इंट्रोडक्शन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बता रहे हैं, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताने में वो टाइम इतना हो जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करना चाहिए, तो नेक्स्ट टॉपिक फिर आपको अगले वाले लेक्चर में मिल जाएगा। इसलिए आपको जो भी आप टोटल लेक्चर का सीरीज देख रहे होंगे कि अगर आपके 30 लेक्चर्स हैं तो आपको उसमें जो टॉपिक्स होंगे, कई बार जैसे लेक्चर का हेडिंग दिया हुआ रहता है तो लेक्चर का हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हम लास्ट लेक्चर को कहाँ पे स्टॉप करते हैं और आगे वाला लेक्चर कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट्स में जब हम एक बार डेरिवेशन करने बैठेंगे तो कई बार हो सकता है कि आधा घंटा एक डेरिवेशन में लग जाएगा,
तो इस तरह के सब्जेक्ट्स में एग्जैक्टली टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो नहीं डिफाइन किया जा सकता है कि आज के लेक्चर में ये टोटल टॉपिक कवर होगा। वो डिपेंड करता है कि हम आपको मैसेज कन्वे करने में कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आरसीसी में खास करके ये बात हो रही है। बाकी सब्जेक्ट्स में आप अगर जैसे आप इरिगेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर हम आपको क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रॉप के बारे में अगर हम आपको इफिशियंसी की बात कर रहे हैं तो उस लेक्चर में इफिशियंसी होगा। अगर हम आपको उसके बाद अगर कैनाल्स की बात कर रहे हैं, कैनेडी मेथड की बात कर रहे हैं तो कैनेडी मेथड होगा। लेकिन आरसीसी में ऐसा नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं होता है। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हो जाएंगे, आगे फिर जब आप आएंगे दूसरे दूसरे टॉपिक्स पे, जो लेंदी टॉपिक्स होते हैं वो आपको लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग सीधा यहाँ से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, इसका हम नाम दिए। अब इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि आरसीसी होता क्या है। जो अभी तक हम आपको वर्ड यूज़ कर रहे हैं आरसीसी, एक वर्ड आप सुनते होंगे पीसीसी, ये सारे क्या होते हैं, फिर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तब आएंगे हम लोग मटेरियल्स के ऊपर। आरसीसी को हम लोग अगर फुल फॉर्म लिखें सबसे पहले तो आरसीसी होता है आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मतलब अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे इसको, हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरसीसी। उसी तरह से एक आता है आपका पीसीसी, ये होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों आरसीसी और पीसीसी में डिफरेंस है, मतलब सीमेंट कंक्रीट दोनों ही है लेकिन ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं। हम लोग रोड बनता हुआ देखते हैं कंक्रीट का, उसमें आप अगर एक किसी भी एक स्टैंडर्ड अगर आप अपने किसी कॉलोनी का रोड देखेंगे, अगर आपका बन रहा है कंक्रीट का, तो उसमें आप देखेंगे कि साइड से शटरिंग लगाया गया है और बीच में आपको कंक्रीट प्रिपेयर करके डाल दिया जाता है, कहीं पे भी उसमें रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो जिस रोड में आप देखते हैं जिसमें आपका रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइडेड है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आपका सिर्फ कंक्रीट प्रोवाइडेड है और वो कंक्रीट सीमेंट से बना हुआ है, तो उसका नाम हो गया सीमेंट कंक्रीट। तो वैसा रोड जहाँ पे रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइडेड है, जहाँ पे छड़ आप नहीं देते हैं, सरिया जिसको हम लोग कहते हैं वो आप नहीं देते हैं, तो वो कहलाता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीसी। और जब आप बिल्डिंग्स का एग्जांपल ले लीजिए, आप छत बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, फाउंडेशंस बनाते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि कंक्रीट जो है वो एक पहले रेनफोर्समेंट का आप एक केज बना देते हैं, जो आपका स्टील होता है उसका आप केज बना देते हैं, और उसके बाद फिर आप उस केज के आसपास आप शटरिंग लगाते हैं और फिर आप उसमें कंक्रीटिंग करते हैं। तो क्योंकि ये भी वही कंक्रीटिंग है जो आप रोड में यूज़ किए थे, सेम ग्रेड आपको कंक्रीट का है, लेकिन आप उसमें क्या किए, रेनफोर्समेंट ऐड कर दिए, तो ये कहलाया आपको रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब आरसीसी। हम लोगों को इस आरसीसी के बारे बिहेवियर के बारे में पढ़ना है कि जब हम रेनफोर्समेंट ऐड किए तो पहला कि रेनफोर्समेंट क्यों ऐड किए, फिर रेनफोर्समेंट ऐड किए तो क्या क्या बिहेवियर में चेंजेस आया, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आई, उसमें कितना ताकत आया, कितना स्ट्रेंथ आया, और इसको अगर हम लोग बीम में बनाते हैं तो ये कितना स्ट्रेंथ देगा, कॉलम में बनाते हैं तो कितना देगा, फाउंडेशन में बनाते हैं तो कितना देगा। ओवरऑल आपका जो स्टडी होता है पूरे आरसीसी में वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का होता है। अब आपको अगर बीम बनाना है इसी आरसीसी को यूज़ करके, तो कितना रेनफोर्समेंट देंगे, कितना कॉन्क्रीट देंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो आप उसका साइज़ निकाल लेते हैं, साइज़ निकल जाता है उसमें आपको रेनफोर्समेंट पता चल जाता है, और यही अब जो आपका एक पैटर्न है इसको हम लोग पूरे जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, कॉलम्स बनाए, फाउंडेशन बनाए, बीम बनाए, स्लैब बनाए, टी बीम बनाए, सब में हम लोग बेसिकली यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और इसी के लिए आपको IS कोड होता है, जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों को एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड बता देता है कि इस कोड के हिसाब से ही हम लोगों को काम करना है। अब ये कोड का नंबर क्या है जो हम लोग RCC और PCC के लिए यूज़ करते हैं, 456। जो बुक्स में ट्रेडिशनली पढ़ाया जाता है वो आपको 2000 वाला वर्जन पढ़ाया जा रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं तो एक नया आपको वर्जन एक्सपेक्टेड है, जो कि आपको 2016 से 2018 के बीच में कोई उसका वर्जन होगा वो आपका एक्सपेक्टेड है। तो हम लोग जब जो भी डिस्कशन करेंगे वो IS कोड 456-2000 के हिसाब से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही वाला IS कोड अभी इंडिया में चल रहा है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो अभी तक किसी भी नए कोड को उसमें जो अभी नया जो आपका अमेंडमेंट्स आया है उसको अभी इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। तो आपको सारा जो ये वाला कंडीशन जो इसमें दिया रहेगा ये हम लोग फॉलो करेंगे अपने RCC में। अब इस IS कोड को ही आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसके अंदर से वो छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ लेता है। अब IS कोड है आपको 100 पेजेस के आसपास का, हम आपको एक एक करके IS कोड में कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हम आपको उसमें पॉइंट्स लिखाते चले जाएंगे। आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को देख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं,
सिंपल सा आपको यही समझना है, आपको पूरा आईएएस कोड खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो जो पॉइंट्स बताएंगे आईएएस कोड वाला, जब आपका लेक्चर आएगा तो 2-3-4 लेक्चर आपको सिर्फ आईएएस कोड के क्लॉजेस के ऊपर चलेगा। तो पहले हम आपको आरसीसी पढ़ा करके एक बिल्डअप कर देते हैं, आपको पूरा बीम और स्लैब में क्या क्या स्टोरी हो रहा है ये जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, तो लास्ट में जब आपका 60-70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, फिर हम आपको वहाँ पे आईएएस कोड के क्लॉजेस इसी में आपको एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिख करके देंगे, ये आपका नोट्स हो जाएगा। आपको उसी को बस पढ़ लेना है, आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लीजिए, उसमें आपका ये आईएएस कोड का क्लॉज जो है वो आप जो हम आपको यहाँ बताएंगे वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि आरसीसी होता क्या है। अब हम लोग जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज़ कर रहे थे पीसीसी, अब उसमें हम लोगों को रेनफोर्समेंट क्यों ऐड करने की ज़रूरत पड़ी। जैसे आप रोड बना रहे हैं तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना रहे हैं, वैसे ही जब आप अपने घर बनाते हैं, आपके 2-3 स्टोरी हाइट की बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो डायरेक्टली उसमें पीसीसी ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, आरसीसी क्यों यूज़ करते हैं, तो वो अब रीज़न डिस्कस करना है। अब ये समझिए कि आपका ये घर है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, इसमें आपका ये इस तरह से बीम जुड़ा हुआ है, और ये भी यहाँ से आपका इस तरह से कॉलम आ रहा है, ये आपका ग्राउंड है, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसके ऊपर आपका एक इस तरह से और फ्लोर आ रहा है। अब ये समझने की ज़रूरत है पहले, सबसे पहले कि आपका कौन सा कंपोनेंट जो है वो कौन सा रोल प्ले करता है। जैसे ये वाला आपका फाउंडेशन है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, इस फुटिंग के ऊपर में ही आपका ये कॉलम इस तरह से निकला रहता है। तो ये वाला जो फुटिंग है ये आपको प्राइमरी, अगर हम लोग बात करें, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों चीज़ होती है, अगर हम लोग प्राइमरी बात करें कि इसका मेन रोल क्या है, तो ये मेन रोल है कि ये आपको कंप्रेसिव फोर्स को बियर करता है, ठीक है, ये इसका प्राइमरी काम है, मेन काम है इसका कि ये कंप्रेसिव फोर्स यहाँ जो कॉलम से आपके आएंगे ये फुटिंग में आपको क्या करेंगे, लोड देंगे। लोड देगा तो आपको क्या होगा कि ये फुटिंग आपको नीचे की तरफ जाना चाहेगा, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कॉलम का कंप्रेशन फोर्स को फुटिंग रेजिस्ट कर लेता है, और फुटिंग इस लोड को ग्राउंड में इस तरह से 45 डिग्री से ऐसे स्प्रेड कर देता है, ठीक है, तो इससे आपका टोटल बिल्डिंग का लोड जो है वो आपका ग्राउंड में चला जाता है। अब सेकेंडरी बात करेंगे तो सेकेंडरी में क्या होता है कि कंप्रेशन फोर्स के साथ साथ इसमें मोमेंट भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपका ये फुटिंग जो है ये अगर बिल्कुल कॉलम के सेंटर पे नहीं है, थोड़ा आपका इस तरफ साइड किया हुआ है, कॉलम आपका फुटिंग के एज पे है, तो लोड तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको मोमेंट भी आएगा, तो ये कॉम्प्रेसिव फोर्स और मोमेंट को रेजिस्ट करता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम लोग समझें इसको इस तरह से कि ये फुटिंग जो है ये कॉलम का लोड को रेजिस्ट करता है। अब कॉलम पे कौन कौन से लोड आते हैं, अगर हम लोग एक प्लान बना दें एक घर का छोटा सा, ये हम लोगों का इस तरह से एक घर है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि चारों साइड्स में हम लोग कॉलम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी हर तरफ हम लोग कॉलम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाकी हम लोगों का कहीं पे डोर है कहीं पे विंडो है, ये हम लोगों का एक सिंगल रूम वाला एक घर है। अब इसमें आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है आपका स्लैब है, ठीक है, ये पोर्शन आपका स्लैब है, छत जिसको हम लोग बोलते हैं, इस छत का लोड आता है। जैसे अब ये छत आप बनाए तो छत आप कंक्रीट का बनाए, तो कंक्रीट का बनाए तो इस टोटल छत का लोड कोई तो बियर करेगा, तो ये बियर करते हैं यहाँ पे जो इस तरह से आप लोग बीम्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ये बीम्स क्या करते हैं कि इस पूरे रूफ का लोड को बियर कर लेते हैं। पैटर्न समझना होगा कि रूफ का जो लोड होगा ये किस पे जाएगा, ये रूफ है, इसका लोड किस पे जाएगा, तो बीम्स पे जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपका बीम्स है। अब ये बीम के ऊपर लोड किस तरह से पहुंचेगा, तो इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका डिवीजन हो गया, इस वाले बीम के ऊपर इस वाले रेक्टेंगल का, सॉरी रेक्टेंगल बोलते हैं, ये जो आपका शेप बना हुआ है ट्रायंगल टाइप का, इस शेप का आपका लोड इस बीम पे जाएगा, इस वाले को अगर हम लोग मार्क कर दें तो इस वाले का जो आपका लोड होगा, जो ये पैनल है इसका लोड जो होगा वो इस वाले बीम पे जाएगा, सेम आपका यहाँ पे भी वैसे ही होगा, इस वाले पैनल का जो लोड है वो आपका इस वाले बीम पे जाएगा, और फिर आपका ये वाले पैनल का लोड भी जो है ये आपको इस वाले बीम पे जाएगा, तो टोटल इस स्लैब का लोड आपका क्या हो गया, बीम्स पे चला गया। अब बीम्स पे आपका अपना लोड, जैसे बीम के ऊपर अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं इस पूरे पे, अगर आप यहाँ पे ऐसे हम दिखा दें कि ये पूरा आपका ब्रिक वर्क हो रहा है, यहाँ पे आपका इस तरह से बॉटम में बीम दिखा देते हैं कि ये बीम जो है ये आपका कुछ ऐसा चल रहा था,
इस तरह से आपका बीम चल रहा था। अब बीम के ऊपर में ब्रिकवर्क भी आ रहा था और यहाँ पे जो आप स्लैब प्रोवाइड किए हुए थे, यहाँ पे इस तरह से जो आपका एक रूफ आप प्रोवाइड किए हुए थे, इस रूफ का लोड भी इस बीम के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं इसका भी लोड आपको क्या हो रहा है, इस बीम के ऊपर ही आ रहा है। तो ये जो रूफ का लोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेड लोड, क्योंकि ये लोड क्या है, डेड लोड है। एक तरह से आपका बस बन गया, बनने के बाद ये लाइफ टाइम आपके बिल्डिंग पे रहेगा। ये जो पर्संस का लोड होता है ये क्या होता है, आपका लाइव लोड, क्योंकि ये मूविंग है, ये अभी यहाँ है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ होगा, थर्ड टाइम में होगा कि ये इस जगह पे रहेगा ही नहीं, कहीं बाहर चला जाएगा। तो ये मूविंग लोड्स होते हैं तो ये कहलाता है लाइव लोड। ये फिक्स्ड जो लोड्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं वो कहलाते हैं आपके डेड लोड। ये दोनों लोड जो है, ये आपको स्लैब के ऊपर आया, लोग स्लैब के ऊपर खड़े रहते हैं, स्लैब पे ये सारा लोड कैलकुलेट करके हम लोग क्या किए कि चार पार्ट्स में, चारों बीम में हम लोग डिवाइड कर दिए। अब बीम स्लैब का लोड भी उठा रहा है और बीम के ऊपर जो आप ब्रिकवर्क कर देते हैं वो उसका भी लोड उठा रहा है। अब ये दो तरीके का इसके ऊपर लोड आ रहा है। ये सारा लोड जो अभी तक चल रहा है किस तरह से चल रहा है, यूडीएल की तरह से चल रहा है। जैसे हम लोग अगर इस स्लैब की बात किए तो इस स्लैब पे हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि टोटल लोड कितना है, इसका मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे भी इस तरह से लोड है, यहाँ पे भी आपका इस तरह से लोड है, हर जगह पे जिस भी पार्ट को हम लोग डिज़ाइन करते हैं हम लोग मान के चलते हैं कि हर जगह पे यूडीएल लोड आ रहा है। क्योंकि लोग किस तरह से खड़े होंगे, कहाँ पे खड़े होंगे, ये तो एग्जैक्टली पोजीशन फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी फंक्शन हुआ तो इस पूरे फ्लोर पे हो सकता है कि इस तरह से लोग ही खड़े होंगे। तो इसका मतलब है कि इसको अगर आप इस तरह से देखिए स्ट्रेट में अगर खड़े हैं तो ये क्या हो गया, ये एक यूडीएल की तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस स्लैब को हम लोग क्या करते हैं, यूडीएल के लिए डिज़ाइन करते हैं। अब हम होप करते हैं कि आपको यूडीएल, पॉइंट लोड, ये सब पता होगा, हम लोग फर्स्ट ईयर में ही बेसिक्स में अपना पढ़ लेते हैं ये सारी चीज़ों को, ठीक है, उस पर हम वापस अब नहीं जाएंगे। तो इस पर हम लोगों का यूडीएल आया। अब ये यूडीएल डिवाइड हुआ चार पार्ट में, टोटल लोड जितना भी था चार पार्ट में डिवाइड हुआ, हर बीम पे अपना अपना एक लोड गया। तो ये जो पूरा पैनल का लोड जो आपके इस वाले बीम पे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये पूरे इस बीम के लेंथ पे ये टोटल का लोड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है और ये बीम है इस तरह से, ये कॉलम को हम लाइन से इस एरो से दिखाएं और ये वाला मेरा बीम है। तो ये बीम के ऊपर मेरा टोटल लोड किस तरह से आ रहा है स्लैब का, ये वाला आ रहा है। इसके ऊपर जो हम ये वाला ब्रिकवर्क कर रहे हैं, ये ब्रिकवर्क क्या करते हैं, पूरे बीम पे करते हैं, पूरे लेंथ पे करते हैं। डोर वगैरह जहाँ पे नहीं रहता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, मतलब उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम लोग टोटल पे क्या करते हैं, जो ब्रिकवर्क हो रहा है तो हम लोग उसका लोड निकाल लेते हैं। वो लोड पूरे बीम पे रहता है और पूरे हाइट पे रहता है, तो वो भी क्या होता है कि वो भी इस तरह से एक यूडीएल बना देता है। तो इस बीम के ऊपर आपका दो तरह का लोड आ जाता है, एक आपका ब्रिकवर्क का लोड, एक आपका फ्लोर का लोड। अब ये भी यूडीएल लोड आ रहा है तो बीम भी किसके लिए डिज़ाइन होगा, यूडीएल के लिए डिज़ाइन होगा। स्लैब भी किसके लिए डिज़ाइन होगा, यूडीएल के लिए डिज़ाइन होगा। यूडीएल कैसे निकालेंगे आगे हम लोग सीख लेंगे। अब आपका कॉलम है ये, अब ये कॉलम क्या कर रहा है, अगर हम लोग इस कॉलम की सिर्फ बात करें जिसको हम शेड किए हैं, ये कॉलम आपका स्लैब का लोड तो डायरेक्टली ले नहीं रहा है क्योंकि स्लैब का लोड तो बीम ले चुका है। अब बीम का जो यहाँ पे यूडीएल चल रहा था इसमें से हाफ यूडीएल को ये वाला कॉलम ले रहा है, हाफ आपका इस वाले कॉलम पे चला आ रहा है। इस वाले बीम में भी वही केस था, यहाँ जो यूडीएल इस तरह से चल रहा है इसका हाफ आपको ये वाला कॉलम ले रहा है, तो ये वाला कॉलम आपको इस तरफ के यूडीएल का हाफ लोड और इस तरफ के यूडीएल का हाफ लोड ले रहा है। अगर हम इसको इससे समझे कि ये जो एरो है मेरा ये वाला कॉलम है, तो इस कॉलम पे जो लोड आता है ये हम लोग कैसे निकालते हैं, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ये टोटल यूडीएल आया, ये टोटल यूडीएल अगर हम लोगों का डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है और ये हम लोगों का फॉर एग्जांपल अगर 10 मीटर है तो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल डब्ल्यू निकल जाता है, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो हम लोगों का ये दोनों पे लोड आ जाता है। तो ये दोनों कौन सा लोड आ जाता है, पॉइंट लोड आ जाता है ऊपर से इस तरह से। आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि ये मान लीजिए आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर था, ये 10 मीटर का आपका स्पैन था, तो टोटल लोड कितना हो गया 200 किलो न्यूटन टोटल बीम पे, तो सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा 100 किलो न्यूटन। इसका मतलब है इस कॉलम पे जो लोड आएगा वो 100 किलो न्यूटन का आएगा और इस वाले कॉलम पे जो लोड आएगा ये आपका 100 किलो न्यूटन का आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कॉलम पे कौन सा लोड आया, पॉइंट लोड आया। अब यूडीएल जो पड़ रहा था इस बीम पे, ये बीम को क्या कर रहा था, नीचे की तरफ इस तरह से बेंड करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब है कि आपका बीम में क्या आएगा, यहाँ अगर हम लिख दें, बाद में मिटा देंगे ये सारी चीज़ें, बीम में क्या आएगा आपका, बीम में आएगा बेंडिंग। किसके वजह से आएगा, लोड के वजह से आएगा, या लिख सकते हैं यूडीएल की वजह से आएगा, ठीक है। स्लैब में आपका क्या हुआ था, स्लैब ये आपका स्लैब है, ये आपका छत है या इस पे आप लोग खड़े हैं, इस पे सारे लोग खड़े हो गए एक साथ में, तो ये वाला स्लैब भी क्या होगा, इस तरह से बेंड होने की इसमें टेंडेंसी आएगी। ये सब चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं,
कि जो भी चीज़ सस्पेंडेड होती है, मतलब हवा में जो चीज़ झूली भी रहती है, उस पर अगर लोड पड़ेगा तो वो नीचे की तरफ बेंड करेगा, अगर ऊपर से लोड पड़ रहा है तो। तो स्लैब और बीम क्या होता है, हवा में आपका झूला हुआ होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नीचे आपका ब्रिकवर्क नहीं दिया हुआ है, तो ब्रिकवर्क नहीं दिए हैं अगर आप नीचे, तो ये वाला बीम किस पे रह रहा है, ये आपको दो कॉलम्स पे सपोर्टेड है और बीच में ये हवा में झूल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पे भी आपका जो स्लैब है उस पे भी आपका लोड आएगा तो क्या आएगा, बेंडिंग आएगा। तो स्लैब पे भी हम लोगों का बेंडिंग आता है, किसके वजह से आता है, यूडीएल के वजह से आता है, ठीक है। कॉलम्स की बात करते हैं कि कॉलम्स में हम लोगों का क्या होता है कि ये वाला कॉलम है, इसके ऊपर इधर से एक लोड आया उसका पॉइंट लोड पड़ा, इधर से एक लोड आया इसका पॉइंट लोड पड़ा, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये अगर आपका कॉलम है और इसके ऊपर अगर इधर से आपका इस तरह से पॉइंट लोड पड़ रहा है तो ये वाला कॉलम क्या होगा, कंप्रेस होगा, एक्सियल मेंबर बन जाएगा। इसका मतलब है कि कॉलम में आपका क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, किसके वजह से आएगा, पॉइंट लोड की वजह से आएगा, हम पीएल लिख देते हैं उसको शॉर्ट में, ठीक है। तो अब आपका कॉलम्स में पॉइंट लोड की वजह से आया, उसके बाद ये कॉलम का लोड, पॉइंट लोड जो एक्सियल फोर्स आ रहा है आपको, ये अंदर की तरफ इसको कंप्रेस कर रहा है, तो ये लोड यहाँ इस पे जाना चाहेगा, उससे आपको एक रिएक्शन मिलेगा जो हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि ये मेरा एक मेंबर है और इस मेंबर पे मेरा दोनों तरफ से कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इसको इस तरह से दिखाते हैं। मगर इधर से जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ से ट्रांसफर होना चाह रहा है, यहाँ पे उसको एक सरफेस मिला तो लोड ट्रांसफर हुआ, उधर से एक रिएक्शन आया, वो रिएक्शन हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। तो लोड क्या हुआ, फुटिंग में ट्रांसफर हो गया। अब फुटिंग में ट्रांसफर हुआ तो फुटिंग में उसकी वजह से क्या आएगा, फिर से सेम फुटिंग में आपका बेंडिंग आएगा, और बेंडिंग के साथ साथ फुटिंग में आपका शेयर भी आएगा। ये जो लोड आएगा, ये लोड इस फुटिंग को यहाँ से काटना चाहेगा, अगर इसको ब्लैक से बना दे या रेड से बना देते हैं, ये इसको यहाँ से इस तरह से या फिर यहाँ से, उसको पता नहीं रहेगा कि कहाँ से कट करना है, लेकिन वो इस लोड की वजह से एक तो इसमें बेंडिंग होने की कोशिश होगी और दूसरा बेंडिंग के साथ साथ शेयर होने का भी कोशिश होगा। तो आपका फाउंडेशन, फुटिंग की अगर हम लोग बात करें तो फुटिंग में आपका बेंडिंग भी आएगा और शेयर भी आएगा, और ये किसके वजह से आएगा, ये आएगा आपको पॉइंट लोड की वजह से जो ऊपर से आपके कॉलम पे आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट लोड या फिर ये बेंडिंग मोमेंट भी हो सकता है, अगर आपका कंसेंट्रिक नहीं है, इसेंट्रिक है आपका, अगर ये फुटिंग है इस तरह से और इस फुटिंग पे अगर आपका कॉलम इस तरह से आ रहा है तो आपका मोमेंट इस सेंटर के अलॉन्ग आएगा, तो वो मोमेंट भी आएगा और ये जो लोड यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है ये लोड भी इस पर ट्रांसफर होगा, तो लोड प्लस मोमेंट दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट दोनों की वजह से आ सकता है। अब हम लोग एक, जब हम लोग पढ़ते थे बेंडिंग और शेयर के बारे में, तो हम लोग ये पढ़े हैं या पढ़ते हैं कि जब आपका जहाँ पे भी आपके बीम में बेंडिंग आने की टेंडेंसी होती है, इसका मतलब है कि वहाँ पे शेयर होता ही होता है। इसका मतलब है बेंडिंग और शेयर आपका साथ साथ चलता है, इसीलिए जब आप फर्स्ट ईयर में जब आप बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आप बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ पहले शेयर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, और आप SFD और BMD एक साथ बनाते हैं, और आप जानते होंगे कि BMD भी आपके SFD के वैल्यू पर डिपेंड कर जाता है, तो क्योंकि जहाँ जहाँ बेंडिंग होगा वहाँ वहाँ आपका शेयर फोर्स आएगा, तो जहाँ जहाँ पे ये आपका बेंडिंग है वहाँ वहाँ पे भी आप शेयर फोर्स को लिख लीजिए कि बेंडिंग और साथ में आपको शेयर आएगा। यहाँ भी बीम में भी बेंडिंग हो रहा है, बीम में भी आपका शेयर आएगा, कॉलम में बेंडिंग नहीं हो रहा है, कॉलम में शेयर नहीं आएगा, फाउंडेशन में बेंडिंग हो रहा था साथ में शेयर आ ही रहा है, ठीक है। तो स्लैब में आपका बेंडिंग और शेयर दोनों आएगा, बीम में आपका बेंडिंग और शेयर दोनों आएगा, फुटिंग में बेंडिंग और शेयर दोनों आएगा, ये तीन में आपका बेंडिंग और शेयर आएगा। तो इन तीनों का जो डिज़ाइन होगा वो लगभग एक जैसा होता है, आपको बस थोड़ा थोड़ा IS कोड अलग अलग क्राइटेरिया बता देगा, आपको सिर्फ वो समझ लेना है, अदरवाइज आपका तीनों में जो बिहेवियर होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉलम में थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, तो कॉलम के लिए भी हम लोग जब कॉलम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो हम आपको समझाए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका लोड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपके किसी भी एक बिल्डिंग में, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग एक समरी में लिखें तो आपके स्लैब में क्या क्या हम लोग डिस्कस किए कि शेयर आ रहा है, बेंडिंग आ रहा है, और आपका टॉर्जन अब एक वर्ड आपका ऐड हो जाता है। आपके स्लैब में अगर लोडिंग कंसेंट्रिक नहीं हुआ, स्लैब जिस एक्सिस में है उस एक्सिस पे नहीं पड़ा, किसी दूसरे एक्सिस पे पड़ा, तो आपको टॉर्जन आएगा। टॉर्जन किसको कहते हैं हम लोग, बेसिकली ट्विस्टिंग को कहते हैं, कि अगर आपका कोई एक ये मेंबर है और ये मेंबर आपका कुछ इस शेप का है और इसका सेंटर लाइन जो है वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है, अगर इस सेंटर लाइन पर लोड पड़ता है तो ये वाला मेंबर क्या होगा, बेंड करेगा।
अगर सेंट्रल लाइन पे नहीं पड़ के लोड यहाँ पड़ता है तो ये इस साइड क्या होगा, ज़्यादा इसमें आपको फोर्स आएगा तो ये इस तरह से इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं टॉर्जन फोर्स, सोम में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो शेयर बेंडिंग आएगा हमेशा, टॉर्जन डिपेंड करता है कंडीशंस के हिसाब से आएगा। तो जब स्लैब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि टॉर्जन किस समय आ सकता है, आएगा तो क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें स्लैब जब एक एक पार्ट में पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं एक पार्टिकुलरली इस टॉपिक के लिए कि इससे एक क्वेश्चन आता है कभी कभार, अगर आपका जो स्टेट लेवल का जो JEE एग्ज़ाम होगा वो आपका थोड़ा लोअर लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है, फिर ऐसे करते करते गेट आपका सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है। तो गेट वगैरह के एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पूछ सकता है JEE लेवल के एग्ज़ाम में, RRB JEE पूछ सकता है, स्टेट का AEJEE का एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि बीम में प्राइमरी कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं। ऑप्शंस दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा। तो शेयर और बेंडिंग तो लगता ही लगता है, ये तो पक्का है, क्योंकि बेंडिंग है और शेयर भी साथ में आता है। अगर ऑप्शन में टॉर्जन दिया है तो टॉर्जन भी होगा, हो सकता है चौथा ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दे देगा, ये तीनों भी दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मेंबर में कौन सा फोर्स लगता है, ये बताने के लिए हम आपको ये समरी लिख करके रखे हैं कि आपको ये नोट्स में गिवन रहेगा कि आपको ये याद हो जाए कि बीम में क्या क्या प्राइमरी आ सकता है। और ये चीज़ अगर आपको याद हो गया ना, ये पूरा अगर आपको याद रह गया तो आप जैसे ही अभी जो हम लोग एक एक करके बीम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, जो आगे का चैप्टर्स आएगा हम लोगों का, तो बीम जैसे ही आप पढ़ने लगेंगे तो उस समय आपको जो न्यूमेरिकल्स होता है, आप लोग अगर डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं पहले अपने कॉलेजेस में, तो आपको पता होगा कि ये आपको लगभग दो पेज का तीन पेज का एक न्यूमेरिकल बनता है। वो न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं लगेगा अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। कैसे नहीं लगेगा आपको डिफिकल्ट, वो हम आपको आगे समझा देंगे, बट अभी के लिए अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है कि बीम में शेयर बेंडिंग और टॉर्जन होगा, टॉर्जन देखना पड़ेगा लगेगा या नहीं लगेगा, अदरवाइज शेयर एंड बेंडिंग तो लगेगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आगे हम आपको बीम में किस किस स्टेप में, क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है ना डिज़ाइन का स्टेप्स भूल जाते हैं कि डिज़ाइन स्टेप्स जो है वो आपको लगभग कभी कभी 8 कभी कभी 9 स्टेप्स होता है, तो पहले क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, उसके वजह से तीसरा क्या निकलेगा, ये आपको लॉजिक समझा देंगे। लॉजिक याद हो जाएगा तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा कि आपको पहला स्टेप क्या है दूसरा स्टेप क्या है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका बीम फेल कैसे कैसे होगा, और फेलियर को बचाने के लिए पहले जैसे हम लोग बेंडिंग की बात करेंगे तो 3-4 स्टेप बेंडिंग बचाने के लिए में आ जाएगा, शेयर आएगा उसमें तो शेयर बचाने में 2-3 स्टेप लग जाएगा, तो 7 स्टेप्स आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। टॉर्जन आएगा तो 3 स्टेप और ऐड कर लीजिए उसमें, तो ऐसे करके आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। तो आपको बस ये वाला जो हम आपको समरी लिख करके दिए हैं, जो हम अभी आपको समझाए थे, आपको बस ये याद कर लेना है। इससे आपका जो RCC डिज़ाइन में जो मेजर वाला जो पार्ट होता है, जो स्टूडेंट्स रट नहीं पाते हैं, या SSC का मेंस का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे आपको RCC के डिज़ाइन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब डिज़ाइन का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, कम से कम SSC JEE मेंस पूछता है, अब 20 मार्क्स का डिज़ाइन का क्वेश्चन और आपको स्टेप नहीं याद है, या आपको प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्यूशन नहीं याद है, आप उसको जो जो आपको याद आ रहा है वो कर रहे हैं, तो कई बार उसमें क्या होता है कि आपको 20 में सब कुछ राइट होने के बाद भी 18 दे देगा 17 दे देगा, तो ये 2-3 मार्क्स के लिए कई बार सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये ओवरऑल ये पूरा चीज़ ना कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ होता है, इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लेक्चर को पूरे को एक बार देखिए, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से वापस उस टॉपिक को देखिए, जो जो समझ में नहीं आया आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो गई ये पूरा सब्जेक्ट बहुत आसान है। और सही मायने में ये सब्जेक्ट आसान है जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम अभी आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये कोर्स आसान है, ये आपको रियलाइज़ हो जाए कि RCC स्ट्रक्चर में कुछ भी खास नहीं था, हाइप इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कि स्लैब में शेयर बेंडिंग टॉर्जन आता है, बीम में भी शेयर बेंडिंग एंड टॉर्जन आता है, कॉलम में आपको सिर्फ कंप्रेशन आता है, मेजर में कभी कभार आपको स्पेशल कंडीशन आ जाएगा तो टेंशन भी आएगा उसमें, बट हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ कंप्रेशन के लिए ही, क्योंकि कंप्रेशन के लिए ही कॉलम आपका डिज़ाइन होता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर से अगर आपका कॉलम है, कॉलम का ये आपका क्रॉस सेक्शन है, इसका ये सेंटर है, अगर आपका लोड यहाँ पे इस तरह से एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो आपके लोड के साथ साथ एक मोमेंट भी यहाँ पे बन जाएगा, और वो इसके लिए हम लोग इसको मोमेंट पे स्टार लगा दिए कि अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो मोमेंट है, अगर नहीं गिवन होगा तो मोमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सियल लोड यहाँ पे पड़ रहा है, उसके लिए हम लोग इसको कंप्रेशन मेंबर की तरह डिज़ाइन कर देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फुटिंग में आपका शेयर और बेंडिंग आएगा, शेयर अब आपका दो टाइप का हो जाएगा जब फुटिंग की बात करेंगे, तो बाकी जगह पे आपको सिर्फ शेयर निकालना है, कौन सा शेयर निकालेंगे वो भी समझा देंगे। अभी फुटिंग में जब आप लोग शेयर में आएंगे तो वहाँ पे दो तरीके का शेयर होगा, इसके लिए भी चेक करेंगे, इसके लिए भी चेक करेंगे और बेंडिंग के लिए भी चेक करेंगे।
ये तीनों के लिए चेक करेंगे, फिर आपका फुटिंग डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो ये वो फोर्सेस है जो हम आपको कहेंगे कि इसको आप याद कर लीजिए, नहीं भी अगर कभी लाइफ में इससे क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट ये आपको डिज़ाइन के आगे के जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे उसको याद करने में आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। अच्छा, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंक्रीट आपका कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, आपको ये चीज़ अब इसको याद कर लेना है कि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ है ये, कि जो आप कंक्रीट बनाते हैं, हम लोग जैसे कंक्रीट का डिजिग्नेशन होता है, जैसे हम लोग M20 बोले या M15 बोले, आगे हम अभी आपको समझाएंगे ये चीज़। तो M20 क्या हुआ, 20 न्यूटन पर mm square उसका स्ट्रेंथ हुआ उस कंक्रीट का, और ये कौन सा स्ट्रेंथ हुआ, ये हुआ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि कंक्रीट आपका कॉम्प्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है। इसके लिए हम लोग रेनफोर्समेंट का प्लान करते हैं, क्यों, हम लोगों को एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसको हम लोग, जैसे इसको जो हम लोग RCC बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग है और टेंशन में वीक है, और इतना वीक है कि हम इसको जीरो स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। मतलब है कि एक कंक्रीट बनाए तो उसमें हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना मानेंगे, मानेंगे जीरो, भले एक्चुअल में उसमें थोड़ा बहुत होता है, कितना होता है ये सारी चीज़ें आगे आएंगी कि कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, लेकिन इतना कम होता है कि हम लोग उसको मानते हैं कि इसमें जीरो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो अगर जीरो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो कल को अगर आप यहाँ पे अपना ऐसा कोई बीम बना रहे हैं और इस बीम में जब ऊपर से आपका लोड आएगा इस तरह से, तो ये बीम में आपको बेंडिंग का टेंडेंसी कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से बेंड होना चाहेगा ऊपर से लोड आने की वजह से, और जब ये इस तरह से बेंड होना चाहेगा तो ये वाले पोर्शन को आप फील कर सकते हैं कि इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, और इस वाले पोर्शन को आप फील कर सकते हैं कि ये स्ट्रेच होने की कोशिश कर रहा है, इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम इस बीम का इसको न्यूट्रल एक्सिस मान दें, मतलब कि इसको हम लोग मान दें कि इस पॉइंट पे हम लोगों का कोई फोर्स नहीं लगता है, एक तरह से आप इसको CG की तरह से समझ लीजिए, तो इसके ऊपर वाला जो जोन होगा ये जोन क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव जोन हो जाएगा, ये वाला जो जोन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल जोन हो जाएगा, ठीक है। तो जब टेंसाइल जोन हो रहा है, इसका मतलब है कि इतने दूर में इसमें टेंशन आ रहा है, और ये टेंशन में कंक्रीट हम लोगों का वीक है, इतना वीक है कि जीरो स्ट्रेंथ है। जब जीरो स्ट्रेंथ है तो फिर हम लोगों को ये वाला जो है यहाँ पे ऐसे करके क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप शटरिंग हटाएंगे कंक्रीट से, अगर आप बीम बना रहे हैं और आप इसमें रेनफोर्समेंट नहीं दिए, जैसे ही आप शटरिंग हटाएंगे यहाँ पे क्रैक्स आना शुरू होगा, और कुछ घंटों के अंदर ही ये आपको ऐसे बेंड होता हुआ ये आपको टूट जाएगा। तो क्योंकि कॉम्प्रेसिव लोड तो उसके ऊपर पड़ा नहीं, लोड आ रहा है ट्रांसवर्स आ रहा है तो बेंडिंग कर रहा है तो टेंसाइल जोन बन रहा है तो टूट जा रहा है। अब इस टेंसाइल जोन में आ रहा है इसलिए टूट जा रहा है, तो हम लोगों को टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला कोई एक चीज़ चाहिए। अगर वो चीज़ हम लोग इसमें प्रोवाइड कर देंगे तो हम लोगों का टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये स्ट्रांग हो जाएगा, और कॉम्प्रेसिव तो कॉन्क्रीट के पास अपना कैपेसिटी है ही, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब ये रेनफोर्समेंट जो होगा ये हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग स्टील का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जब स्टील का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि जब हम लोग चूज़ किए स्टील तो उसका कोई प्रॉपर्टी होगा जो हम लोगों को टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहा है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहा है तो ये कॉन्क्रीट के साथ इसको मिक्स किए और फिर हम लोग जब एक टेस्ट किए तो देखे कि ये लोड रेजिस्ट कर पा रहा है। कॉम्प्रेसिव तो आपका ये कॉन्क्रीट ले ही ले रहा है, जितना भी कॉम्प्रेसिव फोर्स आया उस सेक्शन में वो पूरा आपका कंक्रीट रेजिस्ट कर लिया, और जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ पहले जो स्ट्रेस लोड पड़ रहा था टेंसाइल लोड जो ये नहीं रेजिस्ट कर पा रहा था अब वो रेजिस्ट कर ले रहा है। इसका मतलब है कि आपका स्टील जो है वो उसको रेजिस्ट कर ले रहा है। तो आपका इस तरह से करके कॉम्प्रेशन और टेंशन दोनों तरह के आपके फोर्सेस को ये RCC मेंबर जो है ये रेजिस्ट कर ले रहा है। इसका मतलब है कि स्टील हम लोगों का वो मटेरियल था जो हम लोग चूज़ किए कि हम लोगों का टेंसाइल फोर्स को ये रेजिस्ट करेगा, और हम लोग RCC बना दिए। और यहाँ जो हम लोग इसको रेनफोर्स लिख रहे हैं, इस रेनफोर्स का मतलब होता है कि हम लोग इसको स्ट्रेंथ कर दिए हैं। तो किससे स्ट्रेंथ किए, रेनफोर्समेंट से किए हैं। रेनफोर्समेंट क्या है, हम लोगों के केस में स्टील होगा। अब ये स्टील ही क्यों चूज़ किए, अगर हमको कोई ऐसा मटेरियल चूज़ करना था जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो हमारे पास ऐसा बहुत सारा ऑप्शन था, हम कोई सा भी इसमें से चूज़ कर सकते थे। अब क्या क्या ऑप्शन था हम लोगों के पास, हम लोगों के पास ऑप्शन था कॉपर, गोल्ड, कॉपर आपका एक ऑप्शन था, गोल्ड एक ऑप्शन था, स्टील एक ऑप्शन था, ये तीन ऑप्शंस भी हम लोगों के पास थे। तो हम लोग इस तीनों में से कोई भी मटेरियल चूज़ कर सकते थे। अब ये तीन ऑप्शन क्यों थे, क्योंकि ये तीनों जो आपके मटेरियल है ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। कंक्रीट हम लोगों का क्या होता है, ब्रिटल होता है। अगर आप कंक्रीट बनाएंगे, एक कंक्रीट का एक बीम बनाइए PCC का,
प्योर आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट का आप एक बीम बनाइए, बीम उस बनाने के बाद उसके ऊपर आप लोडिंग दीजिए। जब लोडिंग दीजिएगा तो आप इसमें कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न और यूनिफॉर्म बेंडिंग नहीं देखिएगा, सडनली आपका वो बीम जो है वो टूट जाएगा, कंक्रीट आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो क्यों होगा? क्योंकि वो ब्रिटल है, जैसे ग्लास आपका ब्रेक कर जाता है सडनली, साइंस शो नहीं करता है, बेंडिंग नहीं आता है उसमें, वार्निंग नहीं मिलता है, सडनली फेल हो जाता है, इसलिए हम उसको ब्रिटल बोलते हैं। तो कंक्रीट भी आपका ब्रिटल होता है। अब कंक्रीट ब्रिटल है, अगर हम लोग एक ऐसा मटेरियल चूज़ कर लिए रेनफोर्समेंट के जगह पे जो आपका ब्रिटल होगा, तो ओवरऑल आपका क्या रहेगा, पूरा जो सेक्शन नया बनेगा कंपोजिट सेक्शन वो क्या रहेगा, ब्रिटल ही रह जाएगा। ब्रिटल रह जाएगा तो जैसे ही उसके ऊपर से लोड पड़ेगा वो सडनली फेल कर जाएगा। अब इमेजिन कीजिए 10 स्टोरी का बिल्डिंग बनाए हैं और 10th स्टोरी पे लोड ज़्यादा हो गया, सडनली 10th स्टोरी फेल कर गया, तो वहाँ पे रहने वाले लोग भागेंगे कहाँ, तो वो सारा लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब था कि अगर आपका कंक्रीट वीक है, अगर आपका ब्रिटल है, तो इसका मतलब है कि जो रेनफोर्समेंट के जगह पे मटेरियल चूज़ करना है वो हम लोगों का डक्टाइल होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि इस बीम में अगर टोटल आपका कंक्रीट ब्रिटल है और इसमें आप एक रेनफोर्समेंट ऐड कर दिए, और ये रेनफोर्समेंट अगर आपका डक्टाइल है तो ये क्या करेगा कि डक्टिलिटी इम्पार्ट करेगा, कंक्रीट में ब्रिटलनेस है और ये रेनफोर्समेंट डक्टिलिटी इम्पार्ट करेगा, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है कंक्रीट प्लस रेनफोर्समेंट का, ये बन जाएगा आपका डक्टाइल, क्योंकि रेनफोर्समेंट जो डक्टिलिटी इम्पार्ट करेगा वो ब्रिटलनेस को रिड्यूस करेगा और डक्टिलिटी पूरे उस सेक्शन में लाएगा। तो जब डक्टिलिटी लाएगा आपको टेंशन वाले साइड में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, तो ये इस पूरे टेंशन जोन को अगर आपको डक्टाइल बना दिया तो बेंड होता है, तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन आपका सबसे नीचे रहता है, ये वाला पोर्शन रहता है, ये पोर्शन आपके टेंशन जोन में आ रहा है आपके सेक्शन में। तो जब टेंशन जोन में आ रहा है और ये बेंड हो रहा है और इसमें रेनफोर्समेंट दिए हैं, तो ये डक्टाइल बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे से बेंड होना शुरू करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बीम बेंड हो रहा है, आपको वार्निंग मिलेगा, आप सारे लोग घर के बाहर आ जाएंगे। हो सकता है इस तरह से ये धीरे धीरे और बेंड करेगा, अगर लोड एक्सेस हो चुका होगा तो वो ऐसे बेंड करता रहेगा और बेंड करते करते सडनली तब जा कर के फेल करेगा। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आधा घंटा लग जाए, एक घंटा लग जाए, तो आपको साइंस मिल जाएगा। तो साइंस किस में मिलता है? डक्टाइल मेंबर में मिलता है, जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें मिलता है। तो इसको हम लोग डक्टाइल बनाते ही हैं डक्टाइल मटेरियल लगा करके। अब डक्टाइल मटेरियल लगाने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन था कि ये तीनों डक्टाइल है, तो इसमें से तो हम लोग गोल्ड को चलो सबसे पहले ही हम लोग बाहर कर दिए कि गोल्ड तो बहुत कॉस्टली होता है, अगर हम बीम में गोल्ड लगाने लग जाएंगे तो हम लोगों का अरबों रुपये का घर बनेगा एक, वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो गोल्ड तो चलो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था नहीं। कॉपर लगा सकते थे हम लोग, स्टील क्यों चूज़ किए? अब यहाँ से वर्ड आता है कि इसको और इसको दोनों में से किसको चूज़ करना है, दोनों जबकि डक्टाइल मटेरियल है। तो अब यहाँ से एक वर्ड आता है कि एक नया टर्म आता है कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब एक फैक्टर को ध्यान में रखा गया जिसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या था, इंडिया का जैसे एग्जांपल लें तो हम लोगों के यहाँ एक साल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, 0 डिग्री भी पहुँचता है किसी किसी जोन में, और उसी जोन में आपको गर्मी के दिनों में 30 डिग्री तक भी चला जाता है अगर हम लोग माउंटेनियस रीजन की बात करें तो, और अगर बाकी नॉर्मल रीजन की बात करें तो जाड़ा में विंटर्स में लगभग आपको 5 डिग्री 8 डिग्री तक रहता है, और समर में वो 40 45 48 डिग्री भी चला जाता है। तो टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और पूरे अगर एक कंट्री को डेवलप करना है तो इसका मतलब है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, चाहे वो रोड बने, चाहे वो बिल्डिंग बने, ब्रिजेस बने। तो इसका मतलब है कि RCC को अगर आप यूज़ करके डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो RCC वैसा होना चाहिए ना जो ऑल वेदर को आपको रेजिस्ट कर ले। तो ऑल वेदर को रेजिस्ट करने का मतलब है कि उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें प्रॉपरली हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन होना है। तो हम लोग जब इसको डिसाइड कर रहे थे कि ये मेरा कंक्रीट का सेक्शन है और इसमें हम लोगों को एक डक्टाइल मटेरियल मेंबर वो मटेरियल लगाना है, तो डक्टाइल मटेरियल में चूज़ करने के लिए कॉपर और स्टील बचा। तो हम लोग कैसे चूज़ करें कि थर्मल एक्सपेंशन में कौन बेटर बिहेव करेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इसका एक हम लोग कोफिशियंट जानना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ये एक बॉक्स है और ये आपका दूसरा बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम ए है, इस बॉक्स का नाम बी है, आपको अगर ये बता दिया जाए कि ये जैसे आयरन का है और ये बोल दिया जाए कि ये 5 kg है और ये बोल दिया जाए कि ये 2 kg है, तो आप जब इसको उठाएंगे तो आपको ये तो फील होगा कि बी वाला हल्का है, ए वाला भारी है, ठीक है? आप एक अगर आपको नहीं बताया जाए कि कितना कितना केजी का है तो आप एक अंदाज करेंगे और बताएंगे कि ये ज़्यादा भारी है, ये कम भारी है। अब उस अंदाज में हो सकता है वो वैल्यू आप 5 नहीं लग के आपको लगे कि वो 10 kg है, ये आपको लगेगा कि 4 kg है, ऐसा भी हो सकता है। बस इतना है कि आपको पता है कि बी आपका ए से लाइटर है।
अगर हम आपको उसका वैल्यू बता दें कि ये आपका 5 kg है और ये आपका 2 kg है, तब आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये 2 kg है, ये ज़्यादा हल्का होगा, ये 5 kg है, ज़्यादा भारी होगा। अगर हम पूछें कि ये इससे कितना हल्का है, तो आप कहेंगे कि बी जो है वो ए से 3 kg हल्का है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिल गया। उसी तरह से थर्मल एक्सपेंशन होता है कि ये मटेरियल भी आपका एक्सपेंड करेगा आगे की तरफ, ये मटेरियल भी आपका एक्सपेंड करेगा अगर जब गर्मी होगा, जब टेम्परेचर राइज होगा, तो ये दोनों मटेरियल एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ है एक्सपेंड करने की। तो अगर हम बता दें कि ये आपका कुछ इतना अमाउंट से आपका आगे आपका एक्सपेंड कर रहा है और ये आपका कुछ इतना अमाउंट से आगे एक्सपेंड कर रहा है, और इसका हम एक वैल्यू दे दें आपको, समथिंग एक्स आपको बता दें कि इसका आपको एक्सपेंशन का कोफिशियंट है और इसका बता दें कि वाई एक्सपेंशन का कोफिशियंट है, तो आप दोनों का वैल्यू अगर आपको है, ये अगर 10 रहेगा, ये अगर 12 रहेगा, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये 10 वाला जो है ये समर्स में कम आपको एक्सपेंड करेगा इसके मुकाबले, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, इसका कोफिशियंट 12 है, इसका कोफिशियंट 10 है, चाहे जिस यूनिट में होगा, ठीक है। तो ये आपका कोफिशियंट किसको कहते हैं, कोफिशियंट कहते हैं किसी एक प्रॉपर्टी जो होती है उसको अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर दें तो वो आपका कोफिशियंट कहलाता है, ठीक है। अब ये कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तीनों मटेरियल के लिए कितना कितना है, तो कॉपर के लिए है आपका 16.2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, हर एक डिग्री सेल्सियस पर 16.2 × 10⁻⁶, ये इसका कोफिशियंट है, एक वैल्यू है कॉपर का। गोल्ड की बात कर लें अगर, तो ये था आपको 14 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, बट बहुत कॉस्टली होता है इसलिए हम लोग इसको पहले हटा दिए। स्टील का आपका कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है 12.5 के अप्रॉक्स, इसका कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये आपके मेजर मटेरियल्स हैं जो हम लोग डिसाइड किए थे कि साथ में लगाए जा सकते हैं क्योंकि ये डक्टाइल है। अब अगर हम लोग कंक्रीट की बात करें, तो कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो आपका है अप्रॉक्सीमेटली 12.9 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए कि स्टील और कॉन्क्रीट, इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग एक जैसा है, कुछ पॉइंट में वैल्यूज आगे पीछे हैं। कॉपर का थोड़ा ज़्यादा है, 16 है, और गोल्ड का तो खैर कॉस्टली है इसलिए इसका 14 का कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। अब ये दोनों का कॉफिशियन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक जैसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर गया 48 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल कोई भी डिग्री सेल्सियस गया, तो हर डिग्री सेल्सियस पे दोनों अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा एक्सपेंड करेंगे, एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बीम है, इस बीम में अगर हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, और ये रेनफोर्समेंट जब आपको टेम्परेचर राइज हुआ तो कंक्रीट भी आपको कुछ एक्सपेंड किया और रेनफोर्समेंट भी आपको कुछ एक्सपेंड किया। अब क्योंकि ये लोडेड रहेगा तो ये वाला भी आपका जो कंक्रीट है ये कुछ ऐसा बेंड होने का टेंडेंसी रहेगा। अगर आपके इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता इस स्टील का, तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रह जाता और कंक्रीट आपको एक्सपेंड करने का कोशिश करता, बेंड भी होता एक्सपेंड भी होता। अब अगर आइए और ज़्यादा बेंड हो जाता तो यहाँ से क्या होता कि आपका रेनफोर्समेंट वहीं का वहीं रह जाता, तो रेनफोर्समेंट आपको नज़र आने लग जाता। तो आप चाहते हैं कि रेनफोर्समेंट भी आपका साथ साथ इस तरह से बेंड करे, जब आपका लोड पड़े और आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो, आपका कंक्रीट बेंड कर रहा है तो आपका स्टील भी साथ साथ बिहेव करे। तभी तो आप किसी भी पॉइंट पे जब एक सेक्शन कट करेंगे, चाहे एक्स पे करें चाहे वाई पे करें, तो आपको दिखेगा कि ये आपका बीम है, इस बीम में आपका बॉटम में यहाँ रेनफोर्समेंट है। अब ये इस पोजीशन पे है तो भी यही दिखेगा, बहुत ज़्यादा बेंड कर जाएगा फिर भी आप क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो आपको यहीं पे दिखेगा, क्योंकि ये जितना बेंड किया कंक्रीट उतना ही आपका स्टील भी बेंड किया, और ये दोनों एक साथ बेंड होंगे तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ में कंक्रीट वीक था वो आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देगा, और टेम्परेचर के वेरिएशन में भी आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो क्योंकि स्टील और कंक्रीट, इन दोनों का अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कभी इंटरव्यूज़ वगैरह में, अगर ये क्वेश्चन आता है कि आरसीसी में सिर्फ रेनफोर्समेंट के जगह पे स्टील ही क्यों चूज़ किया गया, कोई और भी तो मेंबर चूज़ कर सकते थे, तो उसका आंसर होगा ये कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कि वो कहेगा कि आप जैसे बहुत लोगों को ये पता होता है कि दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो फिर वो आपको पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी एक जैसी है कंक्रीट और स्टील की, तो फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कंक्रीट का और स्टील का आपका ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। वैल्यूज याद है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहे तो इतना आंसर सेटिस्फाई कर जाता है इंटरव्यूज वगैरह में।
ठीक है, वाइवा वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट लोग से जो इनिशियल फेज में डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो उनसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि आरसीसी में स्टील ही क्यों चूज़ किया गया, कुछ भी तो चूज़ कर सकते थे। तो पहला आंसर होगा कि डक्टाइल होता है वो मेंबर चूज़ करना है, क्यों करना है क्योंकि कॉन्क्रीट ब्रिटल है। दूसरा कि स्टील ही क्यों चूज़ किए, बैम्बू भी तो लगा सकते थे, तो क्योंकि बैम्बू डक्टाइल नहीं है इसलिए बैम्बू लगाएंगे नहीं। अब बैम्बू अगर डक्टाइल होता तो उसका भी कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन चेक कर लेते ताकि दोनों एक साथ बिहेव करें, ठीक है। अब इससे आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनना हुआ तो बहुत कोई छोटे लेवल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनेगा, आपको यूनिवर्सिटी में बन सकता है, एसएससी जेई कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, आरसीसी से रिलेटेड तो एटलीस्ट नहीं पूछेगा। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है कि आपको कॉन्क्रीट कॉम्प्रेशन में स्ट्रांग है, आपको टेंशन में वीक है, रेनफोर्समेंट आपका टेंशन में आपका स्ट्रांग है। तो हम लोग स्टील को ही चूज़ किए, तो स्टील को क्यों चूज़ किए, क्योंकि स्टील हम लोगों का स्टील इज डक्टाइल, ठीक है। उसके बाद स्टील ही क्यों चूज़ किए, डक्टाइल में और भी मटेरियल थे, तो क्योंकि कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो आपका स्टील, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा है लगभग, इसीलिए हम लोग इसको चूज़ किए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बना रहे हैं अभी तक, ठीक है। अभी हम लोग बिल्कुल किसी एक सिलेबस में नहीं एंटर किए हैं, अभी हम आपको पूरे आरसीसी का एक इंट्रोडक्शन दिए हैं। ये चीज़ें अगर आप सुन लिए हैं अभी तक एक घंटे में और आपको अगर समझ में आ गई है, इसका मतलब है आप आगे के लिए बहुत जल्दी आप सारी सब चैप्टर जो आप वीडियोस देखेंगे आप उनको बहुत आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब जो आपका जो एक नया वर्ड आप यहाँ पे जाने थे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे अब आपको पता चल गया हम सारे मटेरियल का, आपको जो मेजर मटेरियल्स हैं उसका हम आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कॉपर का है आपका ऑलमोस्ट 17 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। गोल्ड का है आपका 14 के रेंज में, 14 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। स्टील का है आपका 12.5 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। कॉन्क्रीट का है आपका 12.9, इसी के रेंज में होता है, 13 के ही रेंज में, × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट, यहाँ तो हम लोग लिख ही चुके हैं ऊपर में कि स्टील एंड कॉन्क्रीट इज सिमिलर, इज ऑलमोस्ट सिमिलर, देयरफॉर वी प्रोवाइड स्टील एज टेंशन रेजिस्टिंग मटेरियल इन आरसीसी। आरसीसी में हम लोग स्टील को इसलिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए ये हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ये हम लोगों का एक बिल्डअप था। अब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम लोग आएंगे अपने आरसीसी में इंटर करेंगे तो हम लोग वहाँ पे आपको पहले कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स और कुछ प्रॉपर्टीज समझाएंगे कंक्रीट और स्टील की। स्टील कैसे फाइनल हुआ ये आज तक हम लोग समझ गए, अब नेक्स्ट वाले में समझेंगे कि स्टील और कंक्रीट ही हम का जो अपना प्रॉपर्टीज़ था वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और उन प्रॉपर्टीज़ को समझना इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आगे के डेरिवेशन में वो वैल्यूज़ यूज़ होंगे, जो हम अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में निकालेंगे वो वैल्यूज़ आगे आपको यूज़ होने वाले हैं। तो इसलिए अभी के ये पहला वाला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन था आपका, लेकिन नेक्स्ट वाला लेक्चर से जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे वो आपको टोटल का टोटल काम आने वाला है आपके पूरे आरसीसी में। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट वाले लेक्चर से, या आप किसी भी कोर्स का जब आप पैसा देते हैं आप उसको पेमेंट करके आप कोई कोर्स लेते हैं तो आप उसको फिर स्किप कर दें या फिर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें तो उसमें आपका क्या बेनिफिट होगा। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि टाइम निकाल करके एक एक घंटे का ही लेक्चर होता है, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 30 लेक्चर के आसपास में इस पूरे सीरीज़ को कंप्लीट कर दें थ्योरी वाला पोर्शन, बाकी न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स ये सब जो हम लोग करेंगे वो एक एक्स्ट्रा होगा।
तो लेक्चर के कॉन्सेप्ट जानने का 30 लेक्चर है, मतलब 30 घंटा। 30 घंटे को आपको, अगर आप एक हफ्ते में भी अगर आप अपने पास 30 घंटा रखते हैं आरसीसी पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको फास्ट फॉरवर्ड करके या स्किप करके कोई भी कंटेंट देख करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक हफ्ता 10 दिन का टाइम रखिए और आप आरसीसी को डेली पढ़िए, आपको हम सारे कॉन्सेप्ट समझा देंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे आरसीसी में। तो आई होप कि हम जो आज आरसीसी में ये सारी चीज़ें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किए हैं, आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।